संबलगढ़ कस्बे के बेनीपुरा में संचालित बेनीपुरा के 3 कक्षों में से 2 पूरी तरह जर्जर होकर ढहने की स्थिति में आ गए हैं, जिसकी वजह से भयभीत शिक्षकों ने बच्चों को जर्जर कमरों में बैठाना बंद कर दिया। समस्या तो यह है कि एक कमरे में 183 छात्र आ नहीं पाते, ऐसे में बारिश के सीजन में छात्रों को छुट्टी देकर घर भेजना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार बेनीपुरा स्थित स्कूल भवन बहुत पुराना है। स्कूल में ऑफिस सहित 3 कक्ष हैं जिनमें 183 छात्रों को बैठाकर पढ़ाया जाता है, लेकिन 3 साल पहले 2 कमरे इतने कंडम हो गए हैं कि उनकी छतों का प्लास्टर टूटकर नीचे गिरने लगा। दीवारों में जगह जगह दरार आ गई है। ऐसे में शिक्षकों ने अनहोनी की आशंका को देखते हुए बच्चों को इन जर्जर कमरों में बैठाना ही बंद कर दिया। शौचालय बाद रसोई घर भी टूटी पड़ी है। आसपास के लोग फैला रहे गंदगी। बेनीपुरा में सिर्फ कमरे ही जर्जर नहीं बल्कि वहाँ शौचालय और रसोई घर पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। स्कूल में बाउंड्री नहीं है। स्कूल के ग्राउंड में गोबर का धूरा डालकर कब्जा किया जा रहा है। स्टाफ के द्वारा मना करने पर अभद्रता की जाती है। स्कूल के प्रधानाध्यापक जगमोहन प्रसाद शर्मा ने बताया कि बाउंड्री वॉल टूटी होने की वजह से आसपास के लोग सुबह यहां गंदगी फैला जाते हैं, जिससे पूरे स्कूल में दुर्गंध फैली रहती है। 3 साल में 4 बार लिखे पत्र, हुआ कुछ नहीं। कंडम स्कूल भवन से हादसे की आशंका को लेकर प्रधानाध्यापक जगमोहन प्रसाद शर्मा ने 11 अक्टूबर 2022, 18 फरवरी 2023, 18 जुलाई 2023 और 10 जुलाई 2024 को CMO सबलगढ़, नगर पालिका सबलगढ़, SDM सबलगढ़, BO सबलगढ़, BRC सबलगढ़ एवं DEO ऑफिस मुरैना को पत्र लिखे, लेकिन आज तक अफसरों ने स्कूल में अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, बाउंड्री वॉल बनाने की राशि स्वीकृत नहीं हो सकी है। क्या नाम है आपका? जगमोहन प्रसाद शर्मा। कौन सा स्कूल है ये? शासकीय माध्यमिक विद्यालय बेनीपुरा सबलगढ़। क्या समस्या है इसमें? विद्यालय भवन पर्याप्त नहीं है, जो भी है वो क्षतिग्रस्त है, बच्चों की जान और माल का कभी भी खतरा हो सकता है। इस विषय में मैंने श्रीमान विकास खंड शिक्षा अधिकारी महोदय और श्रीमान खंड स्रोत समन्वयक महोदय सबलगढ़ को कई बार पत्रों के द्वारा इस क्षतिग्रस्त बिल्डिंग के बारे में अनुरोध कर चुका हूँ। नवीन कक्षों के लिए भी मैंने कई बार प्रयास किए हैं और 2020 में 2 नवीन अतिरिक्त कक्ष सेंक्शन हो गए थे। पैसा मेरे खाते में आया है, प्रस्ताव मेरा ही था, लेकिन वो ऑफिशियल गलती के कारण वो शासकीय माध्यमिक विद्यालय नौलखा के लिए चले गए थे। खाते में पैसे आज तक हमारे SMC खाते में जमा हैं। उसके बाद आज तक नवीन कक्षों के लिए कोई कार्रवाई विभाग द्वारा या बड़े अधिकारी द्वारा कभी कोई सुनवाई हमारी नहीं की। और जैसे क्षतिग्रस्त जो बिल्डिंग है जिसमें CC अब ऊपर छतों की सरिया दिख रहे हैं, बिल्डिंग में ऐसे मलबा भी गिर रहा है, उसके लिए आपने कहीं आवेदन नहीं दिया? उसके लिए मैंने श्रीमान खंड स्रोत समन्वयक महोदय को पिछले सत्र में दिया था, दिसंबर 23 में, और अभी जुलाई में भी, मतलब अगस्त में भी मैंने उनको दिया था, श्रीमान इंजीनियर महोदय को प्रोसीडिंग की छाया प्रति प्रस्ताव फोटो सहित। अच्छा। दिसंबर में फोटो सहित दिए थे, दिसंबर 23 में, और अभी भी अगस्त में मैंने फोटो सहित उनको दिए। शासकीय माध्यमिक विद्यालय बेनीपुरा पूरी तरह से जर्जर है, बिल्डिंग कंडम पड़ी हुई है, फिर भी उसमें क्लासें लग रही हैं, और वहीं शाला प्रभारी का कहना है कि कई बार पत्राचार कर चुके हैं लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है, हादसा हो जाएगा उसके बाद याद आएगी। देखिए, कलेक्टर महोदय की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं, ऐसे जो भी भवन हैं, अभी हाल में भी लेटर भी जारी हुए हैं, समक्ष में कई बार निर्देशित किया गया है कि ऐसे भवनों का जीर्णोद्धार किया जाए, जो टूटने लायक भवन है उसको तोड़ दिया जाए, जो मानव जीवन के लिए खतरा है, लेकिन वहाँ पढ़ाई वादी ये सब कार्य न किया जाए, स्पष्ट निर्देश हैं और उसका पालन होना चाहिए, जिला शिक्षा अधिकारी को हम लोगों ने बताया। लेकिन सर अभी तक तो एक भी बिल्डिंग नहीं टूटी जो 75 चिन्हित हुई थी। ठीक है, टूटने का ये है कि चलो बाद में भी तोड़ लेंगे, लेकिन वहाँ पठन पाठन या रसोई का कार्य ना। सर अभी तो चल रहा है, उन्हीं बिल्डिंग मजबूरी है, चल रहा है तो उसे रोका जाएगा।